हेलो दोस्तों, अज की वीडियो जी काफ़ी बेनीफिशियल वीडियो होने वाली है, क्योंकि हूँ तुम मोबाइल तो घर बैठे आसानी नाल जो वोटर कार्ड बनवा सकते हो। दोस्तों पूरी इनफॉर्मेशन तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगी। जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हूँ करना कि सब तो पहले तुम अपने मोबाइल के ब्राउजर भी जाना है तो इस वैबसाइट उपर पहुँच जाओगे। इसका लिंक मैं तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस तो बाद दोस्तों तुम वोटर पोर्टल उपर क्लिक करना है, जिहड़ा इत्थे आपां ब्लू बॉक्स भी चैक कर सकते, इत्थे सामने आपां नूं शो हो जाएगा। क्लिक करन तो बाद आपां नूं एक अकाउंट क्रिएट करना पवेगा। जे तुसीं चाहो तां इत्थे क्रिएट अकाउंट ते अपनी डिटेल भर के एक आईडी बना सकते हो, नहीं जे चाहुंदे तुसीं तां फेसबुक राही लॉगिन कर सकते हो जां जीमेल राही लॉगिन कर सकते हो, जे ट्विटर यूज करदे हो तुसीं ट्विटर जां तुसीं लिंक्डइन दी जे तुहाडी आईडी आ उस थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। चलो आप जीमेल थ्रू इस लॉगिन कर लें, आप जीमेल से क्लिक कर लेंगे। इस तो बाद दोस्तों इस तरह का पेज आपको देखने को मिलता है। सब तो पहले आप टिक मार लगानी है तो वेलकम से आप क्लिक कर देंगे। हूँ दोस्तों इतने आप चैक कर सकते हैं, जो तुम न्यू वोटर कार्ड बनवाना चाहते हो तो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन से क्लिक करेंगे। जो करैक्शन करना चाहते हो, कोई भी ठीक करना चाहते हो वोटर कार्ड में, तो आप करैक्शन इन वोटर कार्ड से क्लिक कर लेंगे। जो ट्रांसफर करना चाहते हो किसी अदर प्लेस से, एग्जाम्पल तौर पर अपने गुड़िया की शादी हो जाती है तो आप वोटर कार्ड जो ट्रांसफर करना होंगे तो आप शिफ्टड टू अदर प्लेस से आप क्लिक करेंगे। जो रिप्लेसमेंट वोटर कार्ड करना चाहते हो तो आप रिप्लेसमेंट वोटर कार्ड से क्लिक करेंगे। जो डिलीट करवानी आप वोट तो आप डिलीट ऑफ वोटर आई डी कार्ड से आप क्लिक कर लेंगे। अज की वीडियो की थीम है जी कि आप न्यू वोटर कार्ड किमें अपलाई करना है, इसलिए आप न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन से आप क्लिक कर लेंगे। इस तो बाद सब तो पहला जिदा आप वोटर कार्ड अपलाई कर रहे उसका नेम लिख लेंगे, तो सरनेम जो वो यूज़ करता है तो आप इतने सरनेम लिख लेंगे, तो अपनी जी स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे इतों, तो मेल फीमेल अदर जो भी है इसे आप टिक मार लगा के सबमिट से क्लिक। इस तो बाद दोस्तों इस तरह का पेज अपने सामने ओपन हो जाएगा, तो आप लैट स्टार्ट आप क्लिक करेंगे। हूँ दोस्तों आप यस आई एम अपलाइंग फॉर द फस्ट टाइम तो आप इस ऑप्शन से आप क्लिक कर लेंगे, अतः सेव एंड कंटिन्यूस से क्लिक करेंगे। हम दोस्तों आप यस आई एम एन ए सिटीजन ऑफ इंडिया से आप क्लिक कर लेंगे। इस तो बाद दोस्तों इतने आप मोबाइल नंबर जो अपना फिल करना पवेगा, जो अपने कोल है मोबाइल नंबर फिल करन तो बाद दोस्तों 6 अक्षर का अपने को अपने मोबाइल से एस एम एस आता है, तो वह ओ टी पी हों दोस्तों ओ टी पी आपको इतने फिल करना होगा। ओ टी पी फिल करन तो बाद आप वेरीफाई से क्लिक करेंगे। इस तो बाद दोस्तों आप इतने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे अपनी जी भी डेट ऑफ बर्थ है, अतः एक कोई भी प्रूफ जे एग्जाम्पल के तौर पर थोड़े को आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट जो भी कोई प्रूफ है आप इतने एक सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इतने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना, तो हूँ मैं आधार कार्ड का जो यूनीक आई डी नंबर होगी इतने फिल कर देंगे, जी भी 12-13 अक्षर की आई डी होंगी इतने आप फिल कर लेंगे, अतः एक आप उसकी फोटो खिंच के अपन उसको अपलोड करनी पवेगी आधार कार्ड की, मतलब कि जोड़ा भी आप इतने प्रूफ आप सिलेक्ट किया है उसकी आप फोटो खिंच के इतने सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपन अपलोड करनी पवेगी। एज डिकलेरेशन फॉर्म अपलोड करना होगा करना की हूँ आप जस्ट इतने डाउनलोड एज डिकलेरेशन से आप क्लिक करना है, थोड़े सामने ओपन हो जाता हूँ इसमें आप डाउनलोड कर लेंगे, तो इसका प्रिंट कढ़वा के जो इस फॉर्म में फिल कर लेंगे। नॉर्मली डिटेल भरें दोस्तों, सब तो पहला आप इतने नेम फिल कर लेंगे, इस तो बाद जो तुम फादर नेम या हसबेंड हो जो भी हो इस रिलेटड आप पा लेंगे। इस तो बाद मैं डिकलेयर कर दाँ इसका सिग्नेचर करके इसकी फोटो खिंच के इसमें आप अपलोड कर देंगे। इस तो बाद इस तरह का पेज आप देखने को मिलता है, तो आप अपलोड पिक्चर से आप जो क्लिक करेंगे तो आप जी वोटर कार्ड से फोटो लगवानी है अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो दोस्तों इतने सिलेक्ट करनी है, इतने ध्यान रहा भी दोस्तों ना कोई कैप ओढ़ी होनी चाहिए है दोनों अते ना ही कोई चश्मे वगैरह कुछ थोड़े मतलब गॉगल्स वगैरह लगे होने चाहिए ने, तो अपलोड पिक्चर से करके आप गैलरी में चले जाएंगे तो इतने पिक्चर में अपलोड कर देंगे अते सेव एंड कंटिन्यूस से आप नीचे जाके क्लिक कर देंगे। इस तो बाद अपनी फैमिली विचों किसी का भी जो वोटर कार्ड बनया हुआ है उसका वोटर कार्ड आई डी नंबर आप इतने फिल करेंगे, जो थोड़े फादर का बनया हुआ तो आप फादर के जो वोटर कार्ड की आई डी नंबर इतने फिल कर देंगे, तो इतने उन्होंने नेम लिख देंगे, तो हिंदी में ऑटोमैटिकली इतने अपने आप ही जोड़ा कि सिलेक्ट हो जाता है। इस तो बाद जो भी रिलेशन है जिन्हों का भी वोटर आई डी नंबर आप इतने फिल किया है उन्होंने आप रिलेशन सिलेक्ट कर लेंगे, जो फादर का वोटर कार्ड आई डी नंबर इतने लिखा है तो आप फादर लिख लेंगे, जो मदर का लिखा है तो मदर का हसबेंड है, ज किसी होर का लिखा है थोड़े ब्रदर का, तो आप इतने सिलेक्ट कर लेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू से क्लिक करके अगे चलेंगे। इस तो बाद दोस्तों हूँ आप इतने अपना एड्रेस लिखना, सब तो पहले आप हाउस नंबर जो भी अपना स्ट्रीट एरिया जो लोकलैलिटी है आप इतने सिलेक्ट कर लेंगे, अपना विलेज या टाउन का नाम इतने लिख लेंगे, पिन कोड जो भी अपना एरिया का पिन कोड इतने आप फिल कर लेंगे।
इस तो बाद आप विधानसभा सिलेक्ट करनी दोस्तों, सब तो पहले आप स्टेट से क्लिक करेंगे तो अपनी पूरी स्टेट इंडिया की जितनी भी स्टेट की लिस्ट अपने को खुल जाएगी और उतो आप पंजाब सिलेक्ट कर लेंगे। इस तो बाद अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे, तो जिले तो बाद जी भी असैम्बली में थोड़ा है पूरी इतने लिस्ट आ जाएगी, उस असैम्बली जो नेड़े के एरिए की असैम्बली उसके आप क्लिक कर लेंगे और सेव एंड कंटिन्यू उससे क्लिक करके अगे चलेंगे। उस बाद नीचे स्क्रोल करेंगे दोस्तों, जो आपको एक एड्रेस प्रूफ अपन इतने अपलोड करना पड़ेगा उसकी फोटो क्लिक करके, एग्जाम्पल के तौर पर जो थोड़े को राशन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट इनकम टैक्स रिटर्न कुछ भी थोड़े को है इन्होंने तो उसकी आप फोटो खिंच लेंगे और अपलोड डाकूमेंट पर क्लिक करके आप उसकी सिलेक्ट करके उस फाइल में अपलोड कर देंगे। इस तो बाद दोस्तों आप सिलेक्ट करना है कि आप जिहड़े इस एड्रेस से अपलाई कर रहे हैं वोटर कार्ड, इस एड्रेस से आप किन्ने सालों तो रह रहे हैं, तो आप जो साल हेयर से क्लिक करेंगे तो इतने पूरी लिस्ट आजू भी आप सिलेक्ट कर लेंगे भी मैं 1990 तो लैके इतने आप मंथ सिलेक्ट कर लेंगे जोड़ा भी 10वां 11वां 12वां महीने जो आप ऑलरेडी असी इस एड्रेस से रह रहे हैं तो सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे स्क्रोल करेंगे दोस्तों, सब तो पहले आप जितों अपलाई करने जिहड़ी भी सिटी में उस सिटी का आप नेम लिख लेंगे और इतने अपना जो नेम है आप सिर्फ अपना नेम लिखना इतने इतने सेव एंड कंटिन्यू से क्लिक कर देंगे। इस तो बाद दोस्तों एक पूरा फॉर्म जी डिटेल तुम्हें भरी है वोटर कार्ड अपलाई करने लिए पूरी डिटेल थोड़े सामने ओपन हो जाएगी। हूँ जो तुम इसमें एडिट करना चाहते हो तो नीचे थोड़ा एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इससे आप जो कोई गलत कॉलम भरया गया तो उसमें ठीक कर सकते हैं, ये सारा कुछ सही है एक बार चैक करके फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। हम दोस्तों थोड़ी रीफरेंस आई डी है जी क्रिएट हो जाएगी, इसमें आप कॉपी कर लेंगे जल्द जल्द स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि फ्यूचर में यह काम आने वाली है जो आप एप्लीकेशन ट्रैक करते हैं कि कितना टाइम मतलब की प्रोसैस चल रहा है मेरा वोटर कार्ड रिलेटड, आप इसमें ऑनलाइन बैठे चैक कर सकते हैं तो विद इन 1 मंथ थोड़ा जो वोटर कार्ड है वो बन के तैयार हो गए थोड़े घर उपर बाय पोस्ट पहुँच जाता है। दोस्तों जो तुम चाहो तो दोस्तों थोड़ी एप्लीकेशन कितने तक पहुंची है इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं। सब तो पहला करना क्या है, इस जो ये नंबर है अपना रेफरेंस आई डी नंबर है इसमें आप कॉपी कर लेवेंगे। कॉपी करन तो बाद दोस्तों आप फिर उस पेज से आवेंगे जितों आप न्यू रजिस्ट्रेशन लिए अपलाई किया उपर आप ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन आप मिल जाता है तो इतने जो आप कॉपी किया रेफरेंस कोड आप इतने कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ट्रैक यूर स्टेटस से क्लिक कर देंगे। इस तो बाद स्टैप बाय स्टैप तुम सारा प्रोसैस समझ से आ जाएगा कि हाँ जो कि अपरूवल मिल गया है मेरे वोटर कार्ड में तो हूँ बाय पोस्ट किन्ने दिन आएगा। सो आई होप तुम जो मैं समझा चाहता सी समझ गए हो, तो जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल में सपोर्ट करो, थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है, वीडियो में लाइक भी कर लिया करो और शेयर भी कर दिया करो।